महर एक औरत का हक होता है, तो उसको मांगना है कितना चाहिए कैसे चाहिए, ये एक वो औरत डिसाइड करेगी। तो ये सही है या उसके वली डिसाइड कर सकते हैं उसको औरत की बगैर जानकारी के, बगैर पूछे बगैर बताए? क्योंकि मेरी शादी हुई तो मुझे जब मेहर दिया गया शादी के बाद, तब मुझे पता चला था कि ये मेरा मेहर और इतना था ऐसे था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर ये औरत का हक है और कि कितना उसको चाहिए, वो क्या मांगेगी, तो क्या अभी भी मेहर मांग सकते हैं? देखिए, जब हमने ये मान लिया और ये तय कर लिया कि महर ये खालिस बिल्कुल पेवर औरत का हक है, तो जाहिर है जिसका हक है वही डिसाइड करेगा। आप अगर किसी से कोई चीज खरीद रही हैं, बेच रही हैं, आपकी चीज है, तो तय कौन करेगा कि मुझे कितनी कीमत चाहिए? उसी तरह से जो जिसका हक है वही तय करेगा कि उसको कितना चाहिए। अब इस तय करने की दो सूरत हो सकती है। एक तो औरत आगे बढ़ के कहे, पहली बात तो उसके वली को चाहिए कि उस औरत से पूछे कि आपकी शादी हम इतने महर पर करने जा रहे हैं, कि क्या आप रजामंद हैं? उसकी रजामंदी पूछें, फिर वो औरत बताए कि हाँ मैं राजी हूं कि नहीं, या मुझे इससे ज्यादा चाहिए, कितना चाहिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि औरत जो है अपने मामले को अपने वली के सुपुर्द कर दे कि आप जो मुनासिब समझें वो तय कर दे, मैं उस पर राजी हूं, गोया कि उसने वकील बना दिया। अब जब उसने मामले को सुपुर्द कर दिया अपने वली के, तो फिर उसके वली को अख्तियार है, वो जितना चाहे तय करे। और आप क्या, आपके सवाल का जो आखिरी सीख है कि आपकी शादी हो गई, आपसे पूछा नहीं गया कि महर कितना दिया जाए, जाहिर है आपसे पूछा जाना चाहिए था, वो आपका हक था। और जब आपकी शादी हो गई इतने महर पर, और शादी के बाद जाहिर है आप अपने शौहर के पास गई होंगी, जिंदगी गुजार रही हैं, अब उसके बाद फिर आपको इख्तियार नहीं है कि आप उसमें तब्दीली करें। गोया कि जब आपने अपने आप को अपने शौहर के सुपुर्द कर दिया, तो गोया कि इतने महर पर आप राजी हैं। अगर आप राजी नहीं थी तो आपको पहले कहना चाहिए कि मुझे इतना नहीं इतना चाहिए। तो जब आपने अपने आप को शौहर के सुपुर्द कर दिया, इसका मतलब आप रजामंद हो गई। अब उसके बाद फिर आपको इख्तियार नहीं है कि आप उसमें तब्दीली करें।